ए सीखने के लिए नीचे दिए गए कुछ कदम फॉलो कर सकते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले तो आपको ए की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसके लिए आप ऑनलाइन आर्टिकल्स ट्यूटोरियल्स या वीडियोस देखकर या पढ़कर शुरुआत कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ए के कोर्सेज अवेलेबल हैं ओडासिटी कोसरा एडेक्स खान अकेडमी और उडमी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आपको ए से जुड़ी कोर्सेज मिल सकते हैं प्रोग्रामिंग स्किल्स ए सीखने के लिए प्रोग्रामिंग स्किल्स की जरूरत होती है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एआई में कॉमनली यूज होती है पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप एआई लाइब्रेरीज जैसे कि थेंसफ्लो पाइटॉर्च और साइकट लर्न पर फोकस कर सकते हैं मैथमेटिक्स ए आई की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैथमेटिक्स में भी स्ट्रांग होना जरूरी है लिनियर एल्जिब्रा कैलक्युलस और स्टेटिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट्स की समझ होनी चाहिए हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स थियोरी के साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है एआई प्रोजेक्ट्स बनाकर आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कैगल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आप रियल वर्ल्ड का यूज करके प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं ऑनलाइन रिसोर्स ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, ब्लॉग्स और फोरम्स पर आपको एआई से जुड़ी मदद मिल सकती है आप डिस्कशंस ज्वाइन करके और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल से इंटरेक्ट करके भी कुछ नया सीखते रहेंगे नेटवर्किंग ए फील्ड में लोगों से जुड़ना भी इम्पोर्टेंट है कॉन्फ्रेंसिस वेबिनार्स और मीटअप्स अटेंड करके आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं जो ए में काम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटेशन एआई में लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक्सपेरिमेंटेशन आपको अलग अलग टेक्निक्स और एल्गोरिदम्स को ट्राई करके देखना चाहिए कि कैसे वो काम करते हैं ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको ए सीखने में मददगार हो सकते हैं याद रखें कि एआई एक वास्ट फील्ड है और रेगुलर लर्निंग और प्रैक्टिस से हाई आपको उसमें माहिर बनना होगा विकीविलेज नॉलेज सेंटर